हेलो, गुड मॉर्निंग और दोपहरी दौला और सबको जय जीसु। तो ये पीला पीला से मैं भी पीली लग रही हूँ, है ना। और हम लोग अभी सुबह सुबह चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सुबह सुबह का दोबारा आप सबको जय यीशु। और कल ही हम लोग पहुँच गए थे, तो हमको लगता है कि और कंटिन्यू वीडियो नहीं हुआ। और ये आज का दूसरे दिन का कैसा लग रहा है, इधर आइए। दूसरे दिन का है, दैट मीन्स आज 15 तारीख का सवेरे सवेरे का है ये, है ना। और इस 15 तारीख के बारे में बताएंगे थोड़ी देर के बाद में आप लोगों को, है ना। तो जिस तरीके पहले हम लोग गिरजा जा रहे चले जाते हैं, तैयारियां हो रही है, हाँ, प्रभु का थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। कहने का मतलब है किसी भी शुभ काम को करने के पहले अपने अपने रस्मों रिवाज के अनुसार भगवान को याद की जाती है। तो बस इसी वजह से हम लोग आज चर्च जा रहे हैं। और दिन भर बने रहिएगा कि 15 मई को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, आप हमारे साथ साथ बने रहिए। चलिए चर्च से आते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सर जी चले गए हमको लग रहा है नीचे, ठीक है ना। और हम लोग चर्च से निकल गए जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। बैक कैमरे से दिखलाएंगे रांची का कैथेड्रल, इधर देखिए रांची का महागिरजाघर। और दूसरी मिसा शुरू हो गई, हम लोग पहले मिसा में पहुंच गए थे, थोड़ा सा लेट हुआ क्या, मतलब कि टाइम कन्फ्यूजन होने के चलते थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ। दिखलाते हैं बैक कैमरे से, ठीक है ना। इधर माँ मरिया का स्टेच्यू है, है ना। इधर ग्रोटो कहते हैं हम लोग, माँ मरिया का स्टेच्यू है। चर्च से निकलने के बाद लोग अपना प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, ठीक है ना। और गिरजा के बाद हम लोग घर वापस आ गए, हाँ। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, बतला दीजिए कि आज 15 मई क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग के लिए खास इसलिए है कि आज 15 मई है, और आज ही के दिन में क्या हुआ था जी, 15 मई को ही हमारी शादी हुई थी, इसीलिए खास है। बोकारो में तो हम थे ही, लेकिन बच्चे लोग यहीं पे थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई वहीं पे चले आते हैं और बच्चे लोगों के साथ में, बच्चों के बिना तो अच्छा लगेगा नहीं, तो कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और मिलना जुलना भी हो जाएगा। और एक जगह है वो बच्चा लोग बता रहा था, तो आप लोग लेके चलेंगे। और अभी इसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं वो आप लोगों को दिखलाएंगे, और जहाँ लेके चलना है वो अगला वीडियो में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और अभी सर जी जा रहे हैं नाश्ता लाने, बने रहिएगा। अगर आप लोग पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, तो अभी घर के कुछ छोटे मोटे काम हैं उन सबसे निपटते हैं, उसके बाद आप सबको वहाँ ले करके चलते हैं जहाँ आप लोगों का भी मन लगेगा और हमारा भी मन लगेगा। चलिए फिर आप लोग बने रहिए। और ये जो है वो पिछले साल की कुछ क्लिप मेरे पास थी, तो मैं ये बता दूं कि पिछला साल हम लोग जयपुर में अपनी जो एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट किया था। शोभा और राजेश का भी आज के दिन में ही एनिवर्सरी है,
तो उन दोनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं हो। और ये हमारी कुछ यादें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और हवाई जहाज़ चढ़ने का मौका साहब ने दिए थे, है ना, तो चलिए आप लोग बने रहिए। और हम लोग वहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट किए थे, जो थोड़ा बहुत मेरे पास क्लिप उपलब्ध है, मैं उसे ही आप लोगों को दिखलाने और बतलाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। और जो नहीं है उसके बारे तो मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे सरप्राइज़ मिला कि शोभा और राजेश का भी एनिवर्सरी है। और ये दो केक वहाँ थे, उसके बाद केक वगैरह काटने के बाद शाम का खाने हम लोग बाहर गए थे, क्योंकि रात का खाना जो है हमने बाहर खा करके उस दिन को हमने सेलिब्रेट किया था। और जयपुर में हम लोग कम से कम दो दिन रहे थे ना, दो दिन रहे थे, और उस दरमियान हमने कहाँ कहाँ घूमा। तो चलिए हमारे साथ साथ आप लोग जयपुर का कुछ क्लिप है उसको इंजॉय कीजिए।